माय वियर्ड्स पार्टी दिखा दिस बिजली हाउस कहाँ इनके शादी की तैयारियां करेगी सर दूसरी तरह भी बनाओ हाँ मेरी कहाँ हुए ओ एक ही तो काम होता YouTube फैमिली कैसे हैं आप उम्मीद करती कि आप सब ठीक होंगे तो मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि मैं आज सेल्फ वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं इस तरह से कैमरा पकड़ने की और व्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह कर लूंगी क्योंकि आप काफी सारा साथ दे रहे हो अच्छे कमेंट कर रहे हैं तो आज जा रही हूँ मैं अपनी भाभी के साथ अपनी फ्रेंड के यहाँ टी पार्टी पे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि अभी सारा कुछ बता दूंगी कैसे आपको पता चलेगा उसके लिए क्या लेके जा रहे हैं किस तरह से करना है और सायरा भी जा रही है इवन के साथ जा रही है तो वी आर गोइंग फॉर किटी पार्टी आल्सो टी पार्टी तो लेट्स सी के क्या क्या होने वाला है अभी हमारे साथ रहिएगा और फ्लू हो तो है ही लेकिन जो आज किटी पार्टी में होने वाला हो सकता है उससे बेहतर हो जाए तो थोड़ी सी गैदरिंग शैदरिंग होनी चाहिए काफी देर से वो इनवाइट कर रही थी तो फाइनली भाभी भी आज फ्री थी और मैं भी तो मैंने कहा चलो और इरफान को भी इन्वाइट किया अब देखते हैं इरफान भी क्या इन्जॉय करने वाला और हम क्या करने वाले और सायरा इतना कह रही मनी जा रहा है और सायरा हमारे साथ जा रही है कुछ रेडी शेडी कर रही है मैं आपको दिखाती हूँ लेट्स सी व्हाट शी इज डूइंग कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे तो आई एम गोना मेकिंग दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट बॉक्स फॉर माय कस्टमर तो ये सारा कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ ज़्यादा इंग्लिश बच गई माय वियर्ड्स की फाइनल लुक अच्छा लगा आपको तो ये है हेलो इसको हम लोग डाल देते हैं इसके अंदर तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने ऑलमोस्ट अपना जो स्किन मेकअप है वो कर लिया मोस्टली मैं इसी तरह करती हूँ ज्यादा मैं लिपस्टिक पे ही करती हूँ जस्ट और कुछ नहीं लेकिन फिर भी मैंने अब कर लिया और जो गेट रेडी विद मी इंशाल्लाह एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी और यहाँ पे अफान भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया उसकी सारी मैचिंग बस ये कैप ये वाली टिक रही थी इसलिए ये भी येलो था अंदर तो इसलिए हमने ये पहना दी वरना वाइट वाली भी बहुत अच्छी रही तो ये जी कम्प्लीट इसका लुक था और मैं इसको पेयर कर रही थी साथ इसके जो इस सीन का कौन सी एड की मशहूरी दे रही है मैं यहाँ पर ये काम लगी हुई हूँ अफान का दिल था वो रेडी हो गया तब उसे कोई ठा के इधर उधर चले यहाँ पे जहाँ पे जाना है जल्दी से चले इस तरह से होता है तो वो भाई जाने में और इस तरह से कोई उठा के उसे चले तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पे इतने क्यूट लग रहा था पीछे से इतना अच्छा सीन लग रहा था और भाई आगे वो हमें लेके जा रहे हैं तो हम तकरीबन सब जा रहे हैं सिर्फ मामा पापा नहीं जा रहे भाई भी हमारे साथ जा रहा है तो इस तरह से उसने वापस आ जाना डिपेंड करता है लेकिन फिर वक्त यहाँ पे मेरा मेकअप और हेयर स्टाइल वगैरह और ये हेयर कट वियर्स देखें कुछ इस तरह से और भाभी माशाल्लाह रेडी हो गई उन्होंने मस्टर्ड और मेहरून कलर में ये ड्रेस वेयर किया था जो कि कुछ इस तरह से और साथ अपना गोल्ड सेट इवन कि उन्होंने ये मेहरून शाल पहनी ओढ़ी तो इस तरह से जी मिठाई भी हमने ले ली क्योंकि पहली दफ़ा अफान और भाभी के सोचा जाए तो मीठा ही बनता था और सायरा भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई सायरा का माशाल्लाह हेयर तो अभी और ज़्यादा लेंथ में है लेकिन फिर वक्त यहाँ पे इस तरह से था और मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और साथ मैंने ये ले लिया था जो कि हमने गिफ्ट बनाया जो उन्होंने बनवाना था कुछ इस तरह से ये किया इसमें ड्रेस है जो कि आई थिंक अलकरम का और उन्होंने अपने कज़न के लिए मतलब गिफ्ट के लिए ऊपर रैपिंग वगैरह और ये गिफ्ट पैक करना था इस वजह से तो ऑलमोस्ट बहुत ज़रा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह अफान की और भाभी की ये है टी पार्टी उनके लिए और पार्टी क्या मतलब अच्छा सा लंच ही हो जाना और बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया वियर्स ऑलमोस्ट मतलब अच्छी हवा थी लेकिन बाहर और ज़्यादा अच्छा था तो जमान नहीं गया जमान मामू घर चला गया था भाई और हम सब गए थे कुछ इस तरह से अफान सो गया था रास्ते में तो उसे एक साइड पे हमने ये टेक दे के इसको ऊपर कंबल कर दिया बिल्कुल और न्यू वाला कंबल निकाल के कहा कि ये लें इससे सर्दी वगैरह तो इस तरह से मैंने जो ये फ्रेश हो गए और वियर्स साथ ही हम चाय एंजॉय करने लग पड़े क्योंकि सर्दी से बचने के लिए उन्होंने कहा कि ये लेकिन मौसम चेंज उस दौरान अभी नहीं था वो उस टाइम तो सर्दी थी ना और साथ बादल हवा ये सारा कुछ था
इस वजह से। तो व्यूअर्स यहाँ पे जी साथ साथ वैलेंटाइन डे के भी कुछ सीन्स हैं अंदर, आप वो भी, क्योंकि अब आज मैं उसी दिन पे उन्हीं दिनों के दरमियान में ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उस लिहाज से भी आपको बोल देती हूँ। वैसे मैं मतलब इस तरह से नहीं वीडियोस वगैरह इस पे करती, क्योंकि प्यार करने का हर रोज़ दिन होता है, ज़रूरी नहीं महसूस दिन हो और उसी दिन ये सारा कुछ हो, लेकिन इसमें वो मोस्ट डेट चीज़ें इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे रेडी कर रही है, जो कि एज अ टिकटॉक, एज अ ट्रायल, एज अ शॉर्ट वीडियो के तौर पे किया और जस्ट एक्टिंग करना था, तो इस वजह से मैंने कहा देखो मुझे कैसा लग रहा है। मैंने कहा तुम कैसे बच्चों की तरफ पकड़ के कर रही हो, कह मैंने कहा हाँ इस तरह से मैं भी पकड़ती हूँ, मुझे तब मैं इत्मीनान होता। और यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, जो मज़ा असल है, जो सही सीन है और मतलब हवा है, वो आंटी भी हमारे साथ थी, तो कुछ इस तरह से इतनी ठंडी हवा और इतना अच्छा मौसम था, और शॉल भी मैंने ले ली व्यूअर्स, और सब इंजॉय कर रहे थे, पिक्स वगैरह, स्लोमोज, वीडियोस वगैरह सब कुछ किया जा रहा था। और मैंने उस अपना ने सेम ड्रेस किया सायरा का, आपने देखा, और ये देखें व्यूअर्स कितने ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई शूटिंग चल रही हो। और आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ये हम पे जो मैं कम्प्लीट जो इंट्रो देने लगी वो आपको देती हूँ। अभी फिर वक्त हम ऊपर आए हैं छत पे टेरेस पे, तो कुछ इस तरह से ही बिजली घर के जितने भी वाटर सिस्टम उसके सीन नज़र आ रहे हैं, उस साइड से हवा का रुख इस साइड पे आ रहा है, तो इतने ज़्यादा बाहर ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने आवाज़ तो की हुई लेकिन कुछ प्रॉपर नहीं था बोला, तो इसलिए मैंने कहा वॉइस ओवर करना ही अच्छा रहेगा। तो साथ साथ मैं अब जैसे फास्ट बोलती थी उस तरह नहीं, अब मैं बहुत आराम से और अच्छे से बोलने की कोशिश करती हूँ कि ताकि मैं अपनी बात भी क्लियर कर लूँ और आपसे डिस्कशन भी कर लूँ। और माशाल्लाह मैं और अफान बिल्कुल, और भाभी भी रेडी थी और वो जी इस्लाम के साथ बात कर रही थी भाई के साथ, तो कुछ इस तरह से साथ साथ रहा, क्योंकि थोड़ी देर में रेस्ट भी किया था, ऊपर जाकर पिक्स वगैरह जब ली, थोड़ी मेमोरी वगैरह करने की कोशिश की, तो ये सायरा प्यार कर रही थी, कह रही थी ये क्या हुआ है, ये किसने किया, तो सब इतना प्यार कर रहे थे तो इसलिए उसे जी लिपस्टिक लग गए। और मैंने सिंपल सा अपना गेटअप किया, उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगवाएगा। अफान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश था, क्राकी की जितनी चीज़ें थी उनको देख रहा था और शो रैक की तरफ ही ज़्यादा देख रहा था, मैंने कहा पता इसको क्या चीज़ पसंद आ गई, तो क्यूट भी लग रहा था। इसके बाद व्यूअर्स एक और चीज़ जो इससे ज़्यादा अट्रैक्ट की इस रूम में, वो ये लाइट्स थी, और ये लाइट्स भी व्यूअर्स रेड रेड, ये भी वैलेंटाइन डे के हवाले से आ गई। और इतनी ज़्यादा जब लाइट्स ऑफ होने लग पड़ता, फिर ढूंढने लग पड़ता ये कहाँ गई, और इतना ज़्यादा खुश हुआ, इतनी ज़्यादा बातें की इसके साथ, कभी हम फ्लश ऑन करके खुद देखते कि क्या महसूस करता है, कभी हम लाइट ऑफ करके देखते ये कैसा फील कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। मोस्टली अफान इसी के साथ खेलता रहा, फिर सो गया, फिर इसे मैं फीड वगैरह भी करवाया, फीडर भी बना के लेके गई थी, और साथ साथ मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा करवाया, और अफान का भी काफ़ी अच्छा टाइम गुजर गया। मैंने शुक्र का अपनी फ्रेंड के हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, इवन के भाभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उन्होंने लास्ट पर काफ़ी ज़्यादा थैंक यू बोला कि काफ़ी अच्छी आपकी फ्रेंड है, तो उन्होंने भी बोला भाभी की कि माशाल्लाह आपकी जो भाभी हैं बहुत ज़्यादा गुली मिली हैं, बहुत ज़्यादा बातें शतें करती हैं, ये देखो गुली मिली, मैंने क्या बोल दिया, मतलब बातें शतें करती हैं। ओके तो व्यूअर्स यहाँ पे अफान खेल रहा था, तो हम जी ये सीन उसका कर रहे थे कैप्चर, और लाइट्स जैसे ही ऑफ होती थी ढूंढने लग पड़ता था लाइट्स कहाँ गई हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स इन्होंने चाट मंगवाई जो कि फेमस चाट थी, और मैं कह रही थी कि मैंने नहीं, क्योंकि मेरे लिए नहीं ठीक खट्टी है, तो उन्होंने कहा जस्ट तुम ऐसा करो इसमें से जितने भी वो चीज़ें हैं स्पेशली वो जो चना और आलू हैं वो तुम खा लो, बाकी नहीं खाना। मैंने कहा ठीक होगा, तो ये किया साथ मैं, फिर जब खाते दौरान हम फिर इस तरह से दुपट्टा ले लिया क्योंकि अच्छा रहता है, और वैसे भी खाने के दौरान बिस्मिल्लाह और दुपट्टा ज़रूरी है, कभी कभी नहीं भी लेती, ये भूख पर डिपेंड करता कि कितनी भूख लगी हुई है, साथ मिठाई भी, तो काफ़ी अच्छा मेन्यू हो गया, टी पार्टी से कुछ बढ़ के ही हो गया हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा बातें शातें की, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत ज़्यादा पिक्स ली, बहुत ज़्यादा मेमोरीज बनाई। तो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा आपको भी अच्छा लग रहा होगा, आपने वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और आज मुझे वॉइस ओवर करते हुए मैं कह रही हूँ कि ये बात नहीं आ रही, वो बात नहीं आ रही, और इस तरह से जान होने लगी है व्यूअर्स आपके साथ, फिर वॉइस ओवर करती हूँ। इस तरह से व्यूअर्स वो वाला दिन और मेमोरेबल हो गया जब भाइयों में लेने गया, और रास्ते में ही कुछ इस तरह से बारिश होना शुरू हो गई, और ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन ये 5-6 बजे का टाइम था जो कि रात का ऐसे बदल गया, और थोड़ी सी जो बारिश है वो कुछ दुपट्टे पे और कुछ बालों पे और कुछ इस तरह से होगा भीग गए, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा लग रहा था। अच्छा, और ये देखिए व्यूअर्स, ये शॉपिंग बैग तो बिल्कुल ही गीला हो चुका था, और रात ही सारे अपना ले लिया, इसे ड्राई करने के लिए रख दिया,
और कुछ इस तरह से सायरा फ्रेश होगी और वह अफ़ान के साथ टाइम स्पेंड कर रही है अफ़ान माशा। तो वियर्स अफ़ान पहले ही अपनी खाला के साथ उसी कम्बल में उसे कवर करके हम ले आए थे ताकि वो बारिश वगैरह और उससे हवा वगैरह का नहीं हो, तो वो पहले ही आ गया था। शुक्र काफ़ी ज़्यादा उस दिन का अच्छा रहा। उम्मीद करती कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, आप जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो इस तरह से हमने जितनी भी जो मैस किया हुआ था वो हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया, इवन कि पूरी दूसरी भी सफाई थी। और अब जी सोच रहे थे कि क्या करना है, सब कह रहे थे मोबाइल फ़ोन पकड़ो, एडिटिंग करो। मैंने कहा अभी कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा रेस्ट करें। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।